5 ml। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी है। फीमेल आपको दिख रही है पहले वाली, इसी फीमेल ने, इस फीमेल तो शायद बहुत जलन हो रहा होगा इससे मुझे लग रहा है। तो गाइस ये वो फीमेल है, आप देख सकते हैं, आप इसका सिर में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, मैं छत पे आ गया हूँ और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा है। लास्ट 4-5 दिन से बारिश दे रहा है, तो आप छत का हालत देख सकते हैं, पूरी तरह गीला है, देख सकते हैं आप। और ये पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो सुबह का टाइम है, मेरा कॉलोनी ढका हुआ है यहाँ पे, और इनको भी मैंने अच्छे से कवर करके रखा है। तो गाइस आज का वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता था क्योंकि कल रात को मेरे कॉलोनी पे एक हादसा हो गया। यहाँ पे एक फीमेल रखी हुई है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लू कलर की फीमेल रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सिर के ऊपर चोट लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए इसके सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, खून भी निकल रहा था कल रात को, अभी थोड़ा सा ठीक है। तो गाइस हुआ क्या कि ये फीमेल मेरे इस कॉलोनी के अंदर थी, तो ये एक मटकी के अंदर एक एग लेके बैठी हुई थी। काफ़ी टाइम से ब्रीडिंग प्रोग्रेस कुछ हो नहीं रहा था, तो फाइनली कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुआ था, तो ये फीमेल एक एग लेके बैठी हुई थी और किसी और एक फीमेल ने इसके मटकी में घुस के इसको बहुत मारा, मार के इसका एग भी ख़राब कर दिया। और रात को जब मैं कॉलोनी कवर करने के लिए आया तो देखा ये फीमेल मिट्टी में पड़ी हुई है, इसके सिर से खून निकल रहा है, तो मैंने जल्दी से इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। एंड गाइस पहले मेरे यहाँ पे एक रेनबो बजिस का एक पेयर रखा हुआ था, तो मेरे पास और केज है नहीं, मैंने सोचा था कि उस केज में मैं रेनबो बजिस का ब्रीडिंग लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने रेनबो बजिस के पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, वो देखिए। तो यहाँ पे 4-5 पेयर है, तो वो सिंगल केज का जो ब्रीडिंग का जो प्लान है वो अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं, फ़िलहाल इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो गाइस अभी मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको भी कॉलोनी में ऐसा कभी बजिस पैरट्स फाइट करते हैं या कोई दूसरा बर्ड भी फाइट करता है तो आपको उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। एंड गाइस बजिस पैरट में ब्रीडिंग के टाइम फाइटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको लेकर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग कर रहे हो तो आपके यहाँ पर फाइट होना कॉमन बात है, अगर आप सेपरेट केज में कर रहे हो तो शायद आपको उतना प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहले कॉलोनी को खोल के दे देते हैं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा बेटर हो रहा है, बारिश तो देगा उतना श्योर है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है, तो मुझे इनको भी पानी वगैरह देना है। मैं रात को पानी निकाल लेता हूँ, तो इनको भी पानी देना है और मेरे उस फीमेल बर्ड को उसका भी ट्रीटमेंट करना है, तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। एंड गाइस ये है मेरी बजिस पैरट्स की कॉलोनी, और आपको भी अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि सुबह का टाइम है और मैंने हर तरफ बंद करके रखा हुआ है, सिर्फ सामने का गेट खोला है। तो अभी नीचे जाके मैं वो 100 वाट का जो बल्ब है वो भी लगा दूंगा, और इनमें से कुछ बर्ड्स थोड़े से फूल के बैठे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट 4-5 दिन से बारिश भी दे रहा है, तो देखते हैं इनको भी कुछ अच्छा सा मेडिसिन देते हैं ताकि इनका भी फूलना बंद हो जाए। सो गाइस मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ले लिया है, एक कॉलोनी के लिए और एक वो सेपरेट केज जिसमें फीमेल को मारा था, तो इन दोनों का पानी मैंने इस मग में ले लिया है। अब हम इनको कौन सा मेडिसिन देंगे, तो गाइस हम इनको जो मेडिसिन देंगे वो है ये, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये है डोलो 250 सस्पेंशन, यह है पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन। तो यह वैसे बुखार का दवाई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं अगर आपके भी कॉलोनी में बर्ड्स थोड़े फूल के बैठे हुए हैं, या अगर आपको लग रहा है उनको बुखार वगैरह है, या उनको अगर चोट वगैरह कुछ लगा है, तो आप ये वाला उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितना प्रोवाइड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको प्रोवाइड करना है इतना 2.5 ml, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी है, इसके हिसाब से मैंने 2.5 ml लिया है। हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और इनको थोड़ा हार्ड डोज देना ज़रूरी है, स्पेशली उस फीमेल को जिसको मारा है। तो चलिए अभी इसको मिला लेते हैं इस पर। तो कैसे हमने मेडिसिन को मिला लिया है, अब दोनों कटोरी में पानी दे देते हैं। ये हो गया, तो चलिए पहले कॉलोनी में प्रोवाइड कर देते हैं, फिर जाके हम हमारे सेपरेट केज के बर्ड को भी दे देंगे। वैसे हमने प्रोवाइड कर दिया है और सबसे पहले रियो आ गया हमेशा की तरह, वो आके पी के चला भी गया, अभी दूसरे बर्ड्स भी आएंगे धीरे धीरे, हम थोड़ा दूर हट जाते हैं। हम जाके हमारा जो
सेपरेट केज के जो बर्ड है, आई मीन जो सिंगल फीमेल है उसको प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जो बड़ा सा सेपरेट केज है उसमें मैं पानी प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा, तो गाइस उसमें मैंने कल रात को ही पानी चेंज किया था, तो अभी फिर से सुबह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शाम को फिर से उसका पानी चेंज कर दूंगा। कल रात को मैंने चेक किया तो पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो मैंने रात को ही चेंज कर दिया। तो चलिए अभी वो सिंगल फीमेल जो है उसको ये वाला पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उसको कुछ मेडिसिन भी लगा के देना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये वो फीमेल है, आप देख सकते हैं, आप इसका सिर में हालत देख सकते हैं, इसको मार के कितना बुरा हालत कर दिया है, देखिए आप। अब देख सकते हैं इसका सिर से पूरा खून निकाल दिया है। तो चलिए अभी इसको कुछ मेडिसिन लगाऊंगा मैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इसको जो मेडिसिन मैं लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यार इसको, इसके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत क्यूट है ये। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक आयुर्वेदिक ऑयल है, आपको स्क्रीन पे ये रहा, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है संधि बातोरी ऑयल, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो गाइस बेसिकली एक आयुर्वेदिक ऑयल है, तो आप भी अपने आस पड़ोस में कहीं से कोई भी एक आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरा पेन किलर टाइप का लाइक घाव का कुछ दूसरा मेडिसिन यूज़ करना है जो कि ज़्यादा मतलब हार्ड ना हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो यहाँ हमने एक कटोरी पे थोड़ा सा ले लिया है, ज़्यादा नहीं, बस हमको थोड़ा सा लगा के देना है इसको। इसके आँखों पर नहीं लगाना है वरना इसको बाद में प्रॉब्लम होगा, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम इसको लगा के देते हैं। हाँ तो हमने इसको ऑयल लगा के दे दिया है, तो एक आध दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी वापस सेपरेट केज में छोड़ दो। गाइस हमने उसको वो ऑयल लगा के दे दिया है, वो आयुर्वेदिक ऑयल जो है, तो ये काफ़ी पुराना बोतल है, ख़त्म भी होने वाला है, तो रात के टाइम मैं वापस इसको दूंगा, और आई होप सो कल सुबह तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, एक दो दिन के अंदर ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, फिर इसको हम वापस कॉलोनी में छोड़ देंगे। इसका मेल भी कॉलोनी के अंदर ही है, तो दोनों वापस पेयर लगाएंगे, पेयर तो लगा ही हुआ है, ये दोनों वापस कोई नया मटकी ढूंढेंगे, फिर ये लोग ब्रीडिंग करेंगे। तो चलिए अभी उसको वो पानी भी प्रोवाइड कर देते हैं, मेडिसिन वाला। तो गाइस हमने इसको पानी भी प्रोवाइड कर दिया है, और ये अभी थोड़ा शॉक में ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी, आप देख सकते हैं फाइनली ऊपर भी चढ़ गई। तो यहाँ पे हमने इसको पानी भी प्रोवाइड कर दिया है, तो होप सो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। गाइस यहाँ पे हमारे कॉलोनी के सारे बजीज भी फुल्ली एक्टिव है, एक दो थोड़ा सा फूल के बैठे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे। एंड गाइस ये जो फीमेल आपको देख रही है पहले वाली, इसी फीमेल ने इस फीमेल को कल रात को बहुत ज़्यादा मारा है, उसके अंडे भी खराब कर दिए, तो कुछ नहीं कर सकते, कॉलोनी में ये सब होना आम बात है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक द वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और क्या जानना है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में वो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर देना, मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।